मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 7 अगस्त 2022 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 18 जनवरी 1992। तो बड़े ही प्रेम और एकाग्रता के साथ आज के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनते हैं। मुरली का सार है, बाप से स्नेह की निशानी बाप समान बनना। आज बेहद के मात पिता के सामने सारा बेहद का परिवार है। सिर्फ यह सभा नहीं है, लेकिन चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों का छोटा सा ब्राह्मण परिवार, अति प्यारा और न्यारा परिवार, अलौकिक परिवार, चित्र में होते विचित्र अनोखा परिवार सामने है। बाप दादा अमृत वेले से सभी बच्चों के स्नेह की, मिलन मनाने की, वरदान लेने की मीठी मीठी रूह रिहान सुन रहे थे। सभी के मन में स्नेह की भावना और समान बनने की श्रेष्ठ कामना, यही उमंग उत्साह चारों ओर दिखा। आज के दिन मेजॉरिटी बच्चों के सामने नंबर वन श्रेष्ठ आत्मा ब्रह्मा माता पिता इमर्ज रूप में था। सभी के दिल में आज विशेष प्यार के सागर बाप दादा का प्रेम स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में नैनों के सामने रहा। चारों ओर के सर्व बच्चों के स्नेह के दिल के गीत बाप दादा ने सुने। स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान दे रहे हैं, सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। कभी भी अपना स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संबंध संपर्क को छोड़ना मत, भूलना मत। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया, कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन विकराल ज्वाला रूप को सदा स्नेह के शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। इस नए वर्ष में विशेष स्नेह लेना है, स्नेह देना है। सदा स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति, स्नेह में कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनानी है। कोई स्नेह नहीं भी दे, लेकिन आप मास्टर स्नेह स्वरूप आत्माएं दाता बन रूहानी स्नेह देते चलो। आज की जीवात्माएं स्नेह अर्थात सच्चे प्यार की प्यासी हैं, स्नेह की एक घड़ी अर्थात एक बूंद की प्यासी हैं। सिवाय सच्चे स्नेह के कारण परेशान हो भटक रहे हैं, सच्चे रूहानी स्नेह को ढूंढ रहे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को सहारा देने वाले आप मास्टर ज्ञान सागर हो। अपने आप से पूछो, आप सभी आत्माओं को ब्राह्मण परिवार में परिवर्तन करने का, आकर्षित करने का विशेष आधार क्या रहा? यही सच्चा प्यार, माता पिता का प्यार, रूहानी परिवार का प्यार, इस प्यार की प्राप्ति ने परिवर्तन किया। ज्ञान तो पीछे समझते हो, लेकिन पहला आकर्षण सच्चा निस्वार्थ पारिवारिक प्यार, यही फाउंडेशन रहा ना, इससे ही सभी आए ना। विश्व में अरब खरबपति बहुत हैं, लेकिन परमात्मा सच्चे प्यार के भिखारी हैं। क्यों? अरब खरब से ये प्यार नहीं मिलता। साइंस वालों ने देखो कितने भी अल्पकाल के सुख के साधन विश्व को दिए हैं, लेकिन जितने बड़े वैज्ञानिक है उतना और खोज करें, और कुछ खोज करें, इस खोज में ही खोए हुए हैं। संतुष्टता की अनुभूति ही नहीं है, और कुछ करें और कुछ करें, इसमें ही समय गवा देते हैं। उनको संसार ही खोज करना हो गया। उनका संसार क्या है? बस खोज करते रहो और ढूंढते रहो और ढूंढते रहो। तो आप जैसे स्नेह संपन्न जीवन की अनुभूति नहीं है? उनके जीवन में असंतुष्टता है, और प्राप्त करने की लालसा है। तो बाबा कहते फील नहीं करते। नेताएं देखो,
अपनी कुर्सी संभालने में ही लगे हुए हैं, कल क्या होगा इसी चिंता में लगे हुए हैं, और आप ब्राह्मण सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलते हो। कल का फिक्र नहीं है, ना कल का फिक्र है ना काल का फिक्र है। क्यों? क्योंकि जानते हो कि जो हो रहा है वह भी अच्छा, जो होना है वह और अच्छा, इसलिए अच्छा अच्छा कहते अच्छे बन गए हो। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात बुराई को विदाई देना और सदा सब अच्छे से अच्छा है इसकी बधाइयां मनाना, ऐसा किया है या अभी विदाई दे रहे हो? जैसे पुराने वर्ष को विदाई दी, नए वर्ष के लिए बधाइयां दी ना, तो बधाइयों के कार्ड तो बहुत आए हैं ना, बहुत बच्चों के बधाइयों के कार्ड तथा पत्र आए हैं। बाप दादा कहते हैं कि जैसे नए वर्ष के कार्ड भेजे व संकल्प किया, तो संगम युग पर तो हर सेकंड नया है ना, तो संगम युग के हर सेकंड की बधाई के कार्ड नहीं भेजना, कार्ड संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कार्ड के बजाय रिकॉर्ड रखना कि हर सेकंड नया अनुभव किया, हर नए सेकंड नया उमंग उत्साह अनुभव किया, हर सेकंड अपने में नवीनता अर्थात दिव्यता विशेषता क्या अनुभव की, उसकी बधाइयां देते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे बड़ी से बड़ी सेरेमनी हर समय कौन सी है? सेरेमनी अर्थात खुशी का समय या खुशी का दिन। तो सेरेमनी में सबसे बड़ी बात मिलन मनाने की होती है, मिलन मनाना ही खुशी मनाना है। और आप सबका परमात्मा मिलन, श्रेष्ठ आत्माओं का मिलन हर समय होता है ना, तो हर समय सेरेमनी हुई ना, नाचो गाओ और खाओ, यही सेरेमनी होती है। ब्रह्मा बाप के भंडारे से खाते हो, इसलिए सदा ब्रह्मा भोजन खाते हो। और कोई प्रवृत्ति वाले अपनी कमाई से नहीं खाते हैं, और सेंटर वाले सेंटर की भंडारी से नहीं खाते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप के भंडारे से, शिव बाप की भंडारी से खाते हैं। ना मेरी प्रवृत्ति है ना मेरा सेंटर है, प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो, बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बने हुए हो, और सेंटर पर हो तो भी बाबा के सेंटर हैं ना कि मेरे, इसलिए सदा शिव बाप की भंडारी है, ब्रह्मा बाप का भंडारा है। इस स्मृति से भंडारी भी भरपूर रहेगी तो भंडारा भी भरपूर रहेगा, मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। किसी भी कार्य में अगर कोई प्रकार की खोट अथवा कमी होती है, तो इसका कारण बाप की बजाय मेरेपन की खोट है, इसलिए खोट होती है। खोट शब्द कमी को भी कहा जाता है, और खोट शब्द अशुद्धि मिक्स को भी कहा जाता है। जैसे सोने में खोट पड़ जाती है ना, लेकिन ब्राह्मण जीवन तो हर सेकंड सेरेमनी मनाने की बधाइयों की है, समझा? वैसे आज के दिन आप सभी आवाज से परे हो जाते हो, और बाप दादा जो आवाज से परे हैं उनको आवाज में ले आते हो। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। अभी अभी बहुत आवाज में हो, चाहे डिस्कस कर रहे हो, ऐसे वातावरण में भी संकल्प किया आवाज से परे हो जाएं, तो सेकंड में आवाज से न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्म योगी और अभी अभी फरिश्ता अर्थात आवाज से परे अव्यक्त स्थिति। यह नहीं कि वातावरण बहुत आवाज का है इसलिए आवाज से परे होने में टाइम चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का हलचल और आवाज होगा चिल्लाने का, हिलाने का, यही वायुमंडल होगा। और ऐसे समय पर ही सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हूं, यह अभ्यास ही विजय बनाएगा, यह स्मृति सिमरणी अर्थात विजयमाला में लाएगी, इसलिए यह अभ्यास अभी से अति आवश्यक है। इसको कहते हैं प्रकृति जीत माया जीत। मालिक बन चाहे तो मुख का साज बजाएं, चाहे तो कानों द्वारा सुने, अगर नहीं चाहे तो सेकंड में फुल स्टॉप, आधा स्टॉप भी नहीं फुल स्टॉप। यही है ब्रह्मा बाप के समान बनना, स्नेह की निशानी है समान बनना।
हर एक कहते कि मेरा स्नेह ज्यादा है। कोई से भी पूछेंगे कि किसका स्नेह ब्रह्मा बाप से ज्यादा है, तो सभी यही कहेंगे कि मेरा। तो जैसे स्नेह में समझते हो कि मेरा स्नेह ज्यादा है, और ऐसे समान बनने में भी तीव्र पुरुषार्थ करो कि मैं नंबर वन के साथ युगल दाने के साथ दाना माला में पिरोया जाऊं। इसको कहते हैं स्नेह का रिटर्न दिया। स्नेह में मधुबन में भागने में तो होशियार हो, सभी जल्दी जल्दी भागकर पहुंच गए हो ना, तो जैसे ये प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाया ऐसे समान बनने का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाओ। स्थान छोटा है और दिल बड़ी है, इसलिए उल्हाना नहीं देना कि जगह नहीं मिली। जब दिल बड़ी है तो प्यार में कोई भी तकलीफ नहीं लगती है। बाप दादा को बच्चों की तकलीफ देखी नहीं जाती। हाँ, योग लगाओ तो स्थान तैयार हो जाएगा। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं के बहुत बहुत संकल्प द्वारा, पत्रों द्वारा, संदेशों द्वारा इस स्मृति दिवस व नव वर्ष की याद प्यार बाप दादा को मिली। सबके दिल के मीठे मीठे साज बाप दादा ने सुने, और रिटर्न में बाप दादा भी सभी बच्चों को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे कहे याद प्यार दे रहे हैं। उड़ रहे हो और तीव्र गति से उड़ते रहो। माया के खेल खिलाड़ी बन देखते चलो। प्रकृति की परिस्थितियां मास्टर सर्वशक्तिवान बन खेल खेल में पार करते चलो। बाप का हाथ और दिव्य बुद्धि योग रूपी सदा साथ अनुभव कर समर्थ बन सदा पास विद ऑनर बनते चलो। सदा स्नेह मूर्त भव के वरदान को स्मृति स्वरूप में याद रख। ऐसे सर्व स्नेही मूर्तियों को सदा मास्टरदाता आत्माओं को माता पिता का शक्ति संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी पाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। और बाबा ने दादियों से बातचीत की। बाप के साथ का वर्षा है ही विशेष पावर्स। इस पावर्स द्वारा सर्व कार्य सहज आगे बढ़ते जा रहे हैं। सभी समीप के साथी हैं ना, साथ रहें और साथ चलेंगे और साथ ही राज्य करेंगे। संगम पर भी समीप, निराकारी दुनिया में भी समीप और राजधानी में भी समीप। जन्मते ही समीपता का वरदान मिला। सभी समीपता के वरदानी हैं, ऐसे अनुभव होता है ना। साथ का अनुभव होना यही समीपता की निशानी है, और अलग होना मुश्किल है, साथ रहना स्वतः ही है। समीपता के संगठन के समीप हैं, राज्य सिंहासन लेंगे ना, सिंहासन पर भी जीत प्राप्त करेंगे ना। जैसे अभी दिल पर जीत है, दिल को जीता फिर नंबरवार विश्व के राज्य सिंहासन पर जीत होगी। ऐसे विजयी हैं ना आप। लोगों के उमंग उत्साह को देख सभी उमंग उत्साह में चल रहे हैं और सदा चलते रहेंगे। बच्चे बाप की कमाल गाते हैं और बाप बच्चों की कमाल गाते हैं। आप कहते हो वाह बाबा वाह, और बाबा कहते हैं वाह बच्चे वाह। अच्छा, अब पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। हम सभी पूज्य और पूर्वज आत्माएं हैं। बाबा सभी बच्चों को कहते कि हम सभी पूज्य और पूर्वज आत्माएं हैं। इतना नशा रहता है, पूछा है बाबा ने। तो आप सभी इस दृष्टि रूपी वृक्ष की, इस सृष्टि रूपी वृक्ष की जड़ में बैठे हो ना। आदि पिता के बच्चे आदि रतन हो, तो इस वृक्ष के तना भी आप हो। जो भी डाल डालियां निकलती हैं वह बीज के बाद तना से ही निकलती हैं। तो सबसे आदि धर्म की आप आत्माएं हो, और सभी पीछे निकलते हैं इसलिए पूर्वज हो। तो आप फाउंडेशन हो। जितना फाउंडेशन पक्का होता है उतनी रचना भी पक्की होती है। तो इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना है।
पूर्वज अर्थात तना होने के कारण डायरेक्ट बीज से कनेक्शन है। आप फलक से कह सकते हो कि हम डायरेक्ट परमात्मा द्वारा रचे हुए हैं। दुनिया वालों से पूछो कि किसने रचा तो सुनी सुनाई कह देंगे कि भगवान ने रचा। कहते हैं ना भगवान की संतान है, लेकिन कहने मात्र हैं। और आप डायरेक्ट परम आत्मा की रचना हो। आजकल के ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, लेकिन ब्रह्मा के बच्चे प्रैक्टिकल में आप हो। तो ये खुशी है कि हम डायरेक्ट रचना है। कोई महान आत्मा धर्मात्मा की रचना नहीं, डायरेक्ट परमात्मा की रचना है। तो डायरेक्ट में कितनी शक्ति है। दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं कि कोई वेश में भगवान आ जाएगा और आप कहते हो मिल गया, तो कितनी खुशी है। तो इतनी खुशी रहती है कि आपको देख करके और भी खुश हो जाएं, क्योंकि खुश रहने वाले का चेहरा सदा ही खुशनुमा होगा ना। तो बाबा ने अब ग्लोबल हॉस्पिटल के भाई बहनों से भी बातचीत की। तो बाबा कहते हैं हॉस्पिटल में कोई दुखी आता है तो खुश हो जाता है ना, तो ऐसा वातावरण खुशी का है कि जो कोई भी आए दुख भूल जाए, क्योंकि वातावरण बनता है व्यक्तियों के वाइब्रेशन से। कोई दुखी आत्माओं का संगठन हो तो वहां का वातावरण भी दुख का होगा, और वहां कोई हंसता हुआ भी आएगा तो चुप हो जाएगा। और कहीं खुश रहने वाले व्यक्तियों का संगठन हो तो खुशी का संगठन हो तो कैसी भी दुखी आत्माएं आएंगी तो बदल जाएंगी, प्रभाव जरूर पड़ता है। तो एवर हैप्पी हॉस्पिटल है ना, सिर्फ हेल्दी नहीं हैप्पी भी। सब मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे तो दवाई आधी हो जाएगी। आधी दवाई खुशी है तो दवाइयों का भी खर्चा बच जाएगा, पेशेंट भी खुश हो जाएंगे कि कम खर्चे में निरोगी बन गए, और हॉस्पिटल का खर्चा भी कम हो जाएगा, डॉक्टर्स को टाइम भी कम देना पड़ेगा। जैसे साकार में देखा कि ब्रह्मा बाप के आगे आते थे तो क्या अनुभव सुनाते थे, बहुत बातें लेकर आते थे, लेकिन बाप के आगे आने से उन बातों का हल अंदर ही अंदर हो जाता था। यह अनुभव सुने हैं ना। तो ऐसे आप डॉक्टर्स के सामने कोई भी आए तो आते ही आधी बीमारी वहीं ठीक हो जाए। सभी ऐसे डॉक्टर्स हो ना। जैसे बाप अलौकिक हैं तो बाप के बच्चे जो कार्य के निमित्त हैं वो भी सब अलौकिक होंगे ना। आप सभी की अलौकिक जीवन है या साधारण जीवन है। बाबा ने फिर से प्रश्न पूछा। जितना जितना तपस्या में आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपके वाइब्रेशंस बहुत तीव्र गति से काम करेंगे। अच्छा, कम खर्चा बाला नशीन वाली हॉस्पिटल होनी चाहिए, टाइम भी कम खर्च हो और स्थूल धन भी कम खर्च, और बाला नशीन नाम बड़ा और खर्चा कम। तो ऐसे अलौकिक सेवाधारी हो ना। फाउंडेशन अच्छा डाला है, हॉस्पिटल लगती है वो योग भवन लगता है। ऐसा आवाज होगा कि हॉस्पिटल नहीं है लेकिन योग केंद्र है, हैप्पी हाउस है। ऐसे लौकिक में भी हैप्पी हाउस बनाते हैं ना, जो भी अंदर जाएगा हंसता ही रहेगा, लेकिन ये मन की मुस्कुराहट है, वह होता है थोड़े समय के लिए और यह है सदा काल के लिए। अच्छा, सदा हर्षित मूड में रहो, कुछ भी हो जाए अपनी मूड नहीं ऑफ करना। कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, लेकिन आप सदा हर्षित रहना। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने वरदान दिया, समर्पण भाव से सेवा करते सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। समर्पण भाव से सेवा करते सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी वह हैं जो समर्पण भाव से सेवा करते हैं। सेवा में जरा भी मेरेपन का भाव ना हो, जहां मेरा पन है वहां सफलता नहीं। जब कोई ये समझ लेते हैं कि ये मेरा काम है, मेरा विचार है, मेरी फर्ज अदाई है, तो यह मेरापन आना अर्थात मोह उत्पन्न होना। लेकिन कहां भी रहते सदा स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूं, यह मेरा घर नहीं लेकिन सेवा स्थान है, तो
तो समर्पण भाव से निर्माण और नष्ट मोहबंद सफलता को प्राप्त कर लेंगे। स्लोगन है, सदा अपने स्वमान की सीट पर रहो तो सर्व शक्तियां ऑर्डर मानती रहेंगी। सदा अपने स्वमान की सीट पर रहो तो सर्व शक्तियां ऑर्डर मानती रहेंगी। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।